तो आज हम एक नया ही विषय ले रहे हैं। ये विषय ऐसा है जिस पर समाज को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भारत का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जो भी व्यवस्था हमने निर्माण करनी है भारत में, उसका आधार क्या होना चाहिए और उस आधार पर वो व्यवस्था कैसे खड़ी होगी, कैसे बनेगी, इस पर गहन चिंतन की बहुत आवश्यकता है। ये गहन चिंतन नहीं हुआ। हमारे देश के जो लोग थे उनमें ऐसे लोग थे जो अधिकांश पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे और उन्होंने वो विचारधाराएं अपने देश के अंदर लेकर के उन्हीं को थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके, इधर से उधर थोड़ा कर करा करके अपने संविधान को निर्माण किया भारत के। 1951 में जब श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी ने एक नई संस्था बनाई कि भारत का नवनिर्माण भारतीय संस्कृति के आधार पर कैसे करें, तो इस काम के लिए उन्हें एक आदमी मिला, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने उपाध्याय जी को ये काम सौंपा कि एक तो अपने संविधान का अध्ययन करो, इसमें कहीं भारतीयता नहीं है, कुछ हमने अमेरिका से लिया, थोड़ा सा हमने रूस से ले लिया, थोड़ा सा फ्रांस से ले लिया, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें हमने कहीं का इधर उधर से लेकर के और उनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बंधी नहीं। ये जो इन्होंने चीज़ देखी थी 1951 में, इसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं और कितने संशोधन की अभी संभावना और है। जब हम इसको देखते हैं तो 75 संशोधन हो गए। अब संविधान में जब इतने संशोधन हो गए तो इसका मतलब संविधान जो बनाया था उसमें बहुत सारी कमियां थीं। और देशों के संविधान में, अब इंग्लैंड का संविधान है, मेरे ख्याल से 2100 साल हो गए, वो सारा लिखित संविधान नहीं है इंग्लैंड में, परंपराओं पर खड़ा हुआ संविधान है, और फिर भी वहाँ 100 साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ कि संविधान बनाया 150 साल पहले, 125 साल पहले, और अभी तक उसमें 1 या 2 परिवर्तन हुए हैं। तो भारत में इतने सारे परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी जो आज पता लग रहा है हमें। ये 1951 में दीनदयाल जी ने इस पर सारा अपना ध्यान लगा करके कहा कि ये भारतीय संविधान जो है, ये भारतीय चिति यानी भारत की जो आत्मा है उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको इसमें बहुत संशोधन करने पड़ेंगे। और अगर अभी शुरू में, क्योंकि 1950 में लगा था तो उन्होंने कहा था 1951 में कि अभी अगर इकट्ठा इसको दोबारा रिवाइज कर लो तो बार बार संशोधन से बच जाओगे। अब दीनदयाल जी तो चले गए, लेकिन उनकी ये बात आज तक दिखाई दे रही है कि बार बार संशोधन करने पड़ रहे हैं। तो दीनदयाल जी ने एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से देखा। उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे संविधान पर जो बाह्य प्रभाव हैं, पहले उन प्रभावों का उन्मूलन किया जाए, क्योंकि उनके हमारे देश पर वो फिट नहीं बैठ रहे। एक एक चीज़ वो लेते गए,
सबसे पहले उन्होंने जब बाह्य पॉलिटिकल साइंस और बाह्य समाजशास्त्र का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया, देखा कि वहाँ विखंडित विचारधारा है सारी। जब मनुष्य को, मानव का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, तो इंडिविजुअल को एक एटॉमिक इकाई मानते हैं। एटम की तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग है, और फिर उनको जोड़ने के लिए कोशिश की गई कि इनको जोड़ो, उसका परिणाम क्या हुआ कि परिवार के अंदर पुरुष अपनी स्वतंत्रता के लिए कोशिश करने लगा, स्त्री अपनी स्वतंत्रता के लिए, और वो ये भूल गए कि परिवार जो है वो एक इकाई है जिसमें स्त्री और पुरुष दो पोल हैं उसके, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ इंडिविजुअलिज्म इतना फैला पाश्चात्य में कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र इकाई मानने लगा, और इसलिए परिवार सारे टूट गए, विखंडित हो गए। वहाँ ये हालत हो गई है कि आज परिवार नाम की जो चीज़ है वो केवल नाम के लिए रह गई है, और पुरुष और स्त्री दोनों का अलग अलग आचरण है। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वहाँ तो ऐसा है कि पुरुष क्या करता है, पुरुष जिस दिन रिस्ट वॉच खरीदता है उस दिन पत्नी भी खरीद के ले आता है वो, और पत्नी जो है जिस दिन अपना डिनर सूट बदलती है उस दिन पति भी बदल देता है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों इंडिविजुअल इकाई हैं, दोनों को स्वतंत्रता है, किसी के साथ रहो किसी के साथ ना रहो। ऐसे ही परिवार का जब चिंतन करते हैं वहाँ, तो परिवार को बिल्कुल समाज से अलग समझ करके, परिवार क्या है कैसा बनता है, तो वहाँ उन्होंने परिवार को विखंडित कर दिया। और उन्होंने कहा कि दो तरीके के परिवार हैं, पाश्चात्य जगत ने कहा कि दो तरीके के परिवार हैं, एक तो वो परिवार जिसमें हमारा जन्म हुआ है, द फैमिली ऑफ अवर बर्थ, और एक वो परिवार है जिसमें फैमिली ऑफ अवर प्रोजेनी, जिसमें हमने अपने बच्चे पैदा करने हैं। तो उसके कारण से संयुक्त परिवार बिल्कुल टूट गए। हमारे यहाँ इकट्ठे हैं जिस परिवार में हमने जन्म लिया है वो, और जिस परिवार ने हमें आगे बच्चों को बढ़ाना है, तो अपनी परिवार की परंपरा को बढ़ाना है, तो ये दोनों परिवार अलग अलग नहीं किए जा सकते भारतीय संस्कृति में। पर पाश्चात्य में उन्होंने इस दृष्टि से देखा कि परिवार एक इकाई है स्वतंत्र, वो समाज से बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं, अपना एक जैसे एक बंद डिब्बा होता है, उस बंद डिब्बे में एक कीड़ा अंदर पलता है रेशम का, इसी तरह उन्होंने कहा कि परिवार इस तरह के बंद डिब्बे जैसे हैं, और इन परिवारों में इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। जो हमारा बर्थ का परिवार है वो अलग जाना चाहिए, और जो हमारा हमने आगे अपने परंपरा चलानी है वो, तो इस तरह से समाज के साथ परिवार का कोई संबंध नहीं, अलग है। ऐसे ही जो समाज की कल्पना की तो बड़ा भयंकर उनके सामने एक चीज़ आई, वो चीज़ आई कि वहाँ एक बड़े भारी थिंकर हुए हैं जिनको माना जाता है कि बहुत उच्च कोटि के समाजवादी हैं, समाजशास्त्री हैं, वो हैं हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि पहले आदमी ऐसे रहता था जंगलों में जैसे जानवर रहते हैं, बंदर है, शेर है, हाथी है, सारे से इनका कोई समाज नहीं होता, ना इनमें सामाजिक चेतना होती है। कुछ हायर एनिमल ऐसे हैं जिसमें हर्ड मेंटेलिटी होती है, लेकिन वो हर्ड मेंटेलिटी सोशल नहीं कही जा सकती। बंदर बहुत सारे इकट्ठे घूमते हैं, हाथियों के झुंड साथ साथ चलते हैं, तो कुछ में ये हर्ड मेंटेलिटी तो है, लेकिन इनको हम समाज नहीं कह सकते, क्योंकि ना वहाँ कोई सामाजिक मर्यादा है, ना कोई सामाजिक नियम है उनके अंदर। तो मनुष्य भी पहले इसी तरह रहता था, अलग अलग घूमता था, अपना अलग अस्तित्व है, कहीं घूमता फिर रहा है तो उसको भूख लगी तो उसने जो चीज़ मिली, जो भी उपलब्ध हुई
उस उपलब्ध को, उस चीज को खा लिया। उसके बाद से जो दूसरी इच्छा है उसकी, प्रजनन की या सेक्स की इच्छा, उसके लिए वो घूमता फिर रहा है। और जो फीमेल है वो भी घूमती फिरती है इसी तरह। वो कहीं मिल गए, आपस में मिलकर के उन्होंने संतान उत्पन्न कर ली, उसके बाद चले गए। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक कुत्ता संतान उत्पन्न करता है तो फिर वो उस कुतिया के साथ नहीं रहता, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं लगता उस कुतिया को। और उस संतान का कौन पालन कर रहा है ये भी पता नहीं लगता। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लोगों को ये लगा कि हमारी जो रक्षा की, सुरक्षा की चीज़ें हैं, हम जंगली जानवरों से, भयंकर जानवरों से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते अकेले, तो उन्होंने कोई तरीके निकाले क्या करें। हमारी जो ऐसा निकाला कि हम मिलकर के रहें, तो ये हुआ कि भाई मिलकर के रहेंगे तो हमें कोई कानून भी बनाने चाहिए, मर्यादा बनानी चाहिए कि अगर हम मिलकर रहेंगे तो इन इन कानूनों का पालन करेंगे। और भी इस तरह की हमें आवश्यकताएं पड़ी, तो उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमने क्या किया कि एक जगह बैठे मिलकर के हमने आपस में संधि कर ली। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी कहलाती है ये, और ये पाश्चात्य में यही थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रचलित चलती है कि कोई समाज नाम की चीज़ नहीं है। समाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सोशल कंट्रैक्ट, जब हम सोशल कंट्रैक्ट में बैठते हैं तो उसी को समाज कह देते हैं। तो अब दीनदयाल जी को चिंता हुई कि ये थ्योरी भारत में अगर आ गई तो हमारा तो बड़ा संगठित समाज है, यहाँ तो समाज का आधार है धर्म, और धर्म के आधार पर, धर्म का मतलब ये होता है सबका उदय हो, अभ्युदय, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। अब तो अभ्युदय का मतलब है सबका उदय हो, मेरे साथ साथ दूसरे, सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं अपना सुख भी देखूं। तो हमारे यहाँ तो समाज को ऐसा माना गया है कि समाज तो ईश्वर प्रदत्त कोई चीज़ है, समाज को मनुष्यों ने निर्माण नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट आधार पर, बल्कि समाज वो जो समाज है वो तो आदमी की प्रवृत्ति में है। जिस दिन आदमी जन्म लेता है तो पशुओं से बिल्कुल अलग वृत्ति होती है उसकी। बहुत से पशु तो ऐसे हैं कि जन्म के बाद ही माँ बाप उनका, जैसे कछुए हैं तो कछुआ अंडा दे जाता है, चरक नदी के किनारे अंडा दे जाता है, और वो अंडे जो हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो ना कछुआ होता है ना कछुई होती है, वो बच्चे अपने आप ही तैरना शुरू कर देते हैं। और भी जानवरों में दो चार दिन या आठ दिन बिल्ली ने, कुत्ते ने बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद पहचानती भी नहीं बिल्ली या कुत्ता के हमारे बच्चे कहाँ हैं। उन बच्चों के साथ उनके संबंध जो होते हैं प्रोजेनी के भी हो जाते हैं। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के साथ ही संतान पैदा कर देता है क्योंकि पहचानते ही नहीं कि मेरी माँ है। लेकिन मनुष्य में क्या है कि मनुष्य में यह है कि जब जन्म लेता है तो वो निर्भर होता है समाज पर। उसे बहुत दिनों तक तो माँ की छाती का दूध पीना पड़ता है, माँ से अलग नहीं हो सकता। उसके बाद जब तक वो चलना फिरना शुरू नहीं करता और उसके अंदर चलने फिरने की शक्ति नहीं आती, तब तक उसे सामाजिक वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो सामाजिक वातावरण में रहता है तो कुछ मर्यादाएं भी पालन करनी पड़ती हैं। माँ हमें पाल रही है तो हम माँ के प्रति क्या। तो हमारे यहाँ ये बताया कि जन्मजात ही आदमी को समाज मिलता है, बना बनाया। समाज आदमी नहीं बनाता, समाज तो ईश्वर प्रदत्त है बनाता है। समाज की अपनी आत्मा होती है, समाज के अपने नियम होते हैं, समाज की अपनी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो इसलिए मनुष्य को बचपन से ही समाज में पैदा होता है। और पाश्चात्य ने भी इस चीज़ को, पुराने पाश्चात्य में, यूनान में इस बात को माना था। सबसे पहली चीज़ जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, क्योंकि वो प्राचीन लोग थे, नए लोग नहीं थे, तो सबसे पहली चीज़ लिखी थी, मैन इज ए सोशल एनिमल, अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी
आइदर ही इज गॉड और ही इज ए बीस्ट। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के नहीं रह सकता, और जो आदमी समाज से अलग है या तो वो परफेक्ट बन गया है, उसे उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और उसे किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो गॉड बन गया है। तो समाज से जब अलग होगा तो या तो गॉड बन जाएगा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं, और या फिर वो बीस्ट जंगली जानवर हो बन जाएगा। वो जंगली जानवर की तरह रहेगा, मनुष्य की तरह नहीं रह सकता। अगर वो मनुष्य है तो सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी न्यूनताएं सोसाइटी में पूरी होती हैं। सोशल नियम ही आदमी को आगे बढ़ाते हैं, और जब आदमी सोसाइटी में रहेगा तो उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा भी आएगी। ये एरिस्टोटल में ने भी इस चीज़ को नहीं सोचा था, बस मनुष्य को ही सोच लिया था कि मनुष्य सोशल एनिमल है। लेकिन भारतीयों ने सोचा कि सोसाइटी जो है आदमी को क्या करती है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो धर्म और अध्यात्म के बेस पर खड़ी हुई है, तो सोसाइटी उसको प्रेरित करती है और ऊपर उठने की। तुम मानव हो, मानव से ऊपर उठो। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर हैं, आहार खाना खा लिया, जब निद्रा आई तो सो गए, खुद भी भयभीत होकर के अपनी गुफाओं में घुस जाते हैं और औरों को भी भयभीत करते हैं। मच्छर की जब भिन्न-भिन्न आदमी सुनता है, इतना भयभीत हो जाता है कि मलेरिया आएगा, फौरन वो छिड़काव करना शुरू करता मच्छर से। तो आदमी भयभीत भी करता है, भयभीत भी होता है, और मैथुनम संतान उत्पत्ति करता है, जानवर भी करते हैं। तो अगर ये चार चीज़ें हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप पशु हैं, आप सोशल नहीं बन सकते। अब आपको सोशल बनाने का काम कौन करेगा? परिवार करेगा। परिवार आपको ऐसी चीज़ें बताएगा कि जो आपको सोशल बनाए। तो ये परिवार को आदमी ने नहीं बनाया, परिवार प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त, उसमें आदमी ऊपर उठता है। परिवार के बाद फिर आदमी स्कूल में जाएगा, स्कूल उसको और भी अच्छे कुछ वैल्यूज़ देगा, और वैल्यूज़ को दे करके वो क्या होगा कि उसका सोशलाइजेशन होगा स्कूल के अंदर। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कोई ये चीज़ नहीं है कि हमने किताब पढ़ा दी, एजुकेशन है सोशलाइजेशन। एक बायोलॉजिकल प्राणी को जो पशुओं की तरह होता है जन्मजात, उससे उसको सामाजिक प्राणी बनाना है। सामाजिक प्राणी बनाने का काम शिक्षा ही करती है। जो आदमी शिक्षा क्षेत्र में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो वहाँ स्कूल में उसका व्यवहार ऐसा होगा जिसको कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। वहाँ जो शासन है, जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। और वो स्कूल की व्यवस्था कहाँ से आई है? वो स्कूल की व्यवस्था हमारी समाज जैसा चाहता है, समाज कैसे प्राणी चाहता है, तो वैसे ही हम स्कूल बनाते हैं। समाज चाहता है कि हमारे समाज में प्रजातांत्रिक प्राणी बनने चाहिए, तो स्कूलों में वही नियम होगा, वही अनुशासन होगा, तो जो भी आदमी निकल के जाएगा वो प्रजातांत्रिक आदमी बन के जाएगा। अब स्कूल के बाद भी आदमी को जब सिखाया जाता है कि तुम सामाजिक प्राणी बन गए, फिर आदमी ऊपर उठने की कोशिश करता है, और वो सामाजिक प्राणी से फिर राष्ट्रीय प्राणी बन जाता है। अपने समाज के अलावा जितना समाज है उससे ऊपर उठ करके, तो उसमें राष्ट्रीयता भावना आ जाती है, ये पूरा राष्ट्र मेरा राष्ट्र है, और इस राष्ट्र की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको मैं अपने जीवन में पालन करूंगा। तो ये भारत में ही है, कहीं और दूसरे देशों में नहीं है। और जब वो राष्ट्रीय बनेगा तो राष्ट्रीय के बाद क्या होगा कि और ऊपर उठेगा वो, अब वो वैश्विक प्राणी बन जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम्, ये सारी वसुधा संसार के जितने भी देश हैं, संसार के जितने भी मानव हैं, ये सब मेरे ही भाई बंधु हैं, ये सारा संसार मेरा कुटुंब है,
तो वो वैश्विक प्राणी बन जाएगा, और वैश्विक प्राणी जब बनेगा तो उसे देखना पड़ेगा कि इस विश्व का संरक्षण करने के लिए, इस विश्व को ठीक रास्ते पे चलाने के लिए ये सारा विश्व संपन्न हो। जैसा हमने कहा शुरू में कि भारतीय चिट्ठी क्या है, सर्वे भवन्तु, एक आदमी की बात नहीं करती भारतीय संस्कृति, इंडिविजुअल मिलकर के समाज नहीं बनाते बल्कि समाज आदमी को बनाता है। तो इसमें आदमी क्या करता है, हमारी जो भारतीयता है वो कहेगी कि मैं सुखी हूँ, ये ऐसा नहीं है। हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना। तो जब ये भावना आएगा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो हम आदमी वैश्विक आदमी से भी वो फिर देवत्व की ओर चला जाएगा, और देवत्व से भी ऊपर उठ करके वो फिर ब्रह्मांड में समा जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, समष्टि में लीन हो जाएगा। पाश्चात्य किसी दर्शन ने ये बात नहीं कही। तो हमारे पास जो पाश्चात्य व्यवस्थाएं, वो हमारे भारत के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दीनदयाल जी ने सबसे पहले इस व्यवस्था को कंडेम किया है कि पाश्चात्य जगत में चूँकि समाज को मानव निर्मित माना जाता है, इसलिए हर एक समाज की इंस्टीट्यूशन, समाज का हर एक संगठन, समाज की हर एक इकाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानी जाती है, और इंडिपेंडेंट होकर के उसको वर्णन किया जाता है। सारे शास्त्री जितने भी हैं थिंकर वहाँ ऐसे ही मिलेंगे कि जो थिंकर एक परिवार के बारे में सोचने वाला है, परिवार के बारे में लिखेगा, वो कोई सामाजिक थिंकर है समाज के बारे में लिखेगा, समाज कैसे निर्माण हुआ, और जो राष्ट्र के बारे में वो केवल राष्ट्र की कल्पना करेंगे। राष्ट्र कहाँ से बनेगा अगर इंडिविजुअली अच्छे नहीं है, सारा राष्ट्र कहाँ से बन जाएगा, तो इंडिविजुअल को इग्नोर करके राष्ट्र को कैसे खड़ा कर देंगे। तो पाश्चात्य जगत में सब एकांगी थिंकिंग है सारी, वहाँ कभी कलेक्टिव थिंकिंग हुई नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको एकात्मता लानी है। परिवार के बिना व्यक्ति नहीं है, इसलिए जब व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो परिवार का चिंतन करेंगे, और परिवार जो हमारे बने हैं ये समाज के, अगर समाज के साथ नहीं मिल पाते तो परिवार समाज में कभी नहीं घुल मिल पाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। तो परिवार के साथ साथ ही समाज का चिंतन बहुत ज़रूरी है। ये एकात्मता आनी शुरू हुई भारत में, और समाज के साथ जब हम बात करेंगे तो उस समाज का संरक्षण करने के लिए, पोषण करने के लिए, उस समाज का आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक राष्ट्रीय शक्ति खड़ी होगी, और राष्ट्रीय शक्ति में भी अगर हमने इंडिविजुअल को इग्नोर कर दिया तो उस राष्ट्र की रक्षा करने वाले कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो राष्ट्र का अकेले में चिंतन नहीं किया जा सकता, तो समाज के साथ हम फिर राष्ट्र का चिंतन करेंगे, और राष्ट्र से आगे जा करके अंतर्राष्ट्रीय चिंतन में क्या होगा कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय चिंतन में हम एक एक देश को ऐसा देखेंगे कि हर देश एक अलग यूनिट है, और जब इस दृष्टि से देखेंगे तो टकराव बहुत होंगे। संसार में इसीलिए टकराव हो रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद से, राष्ट्रवाद को बिल्कुल इंडिपेंडेंट समझते हैं, ये नहीं समझते कि अंतर्राष्ट्र भी एक कोई चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि हमारी भारत की संस्कृति के हिसाब से हम हर एक इंस्टीट्यूशन को अलग अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे, जबकि पाश्चात्य उनको अलग अलग थिंकिंग करता है। हम क्या करेंगे, इन सबको इकट्ठा, परिवार में से राष्ट्र निकले, समाज निकलेगा, समाज में से राष्ट्र निकलेगा, राष्ट्र में से विश्व निकलेगा। तो इसको उन्होंने कहा ये है एकात्म, ये भारत की संस्कृति का सबसे पहला उसूल ये है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दृष्टम एन तस्मय श्री गुरुवे नमः। जो हमारे यहाँ थिंकर हुए हैं, बड़े बड़े थिंकर जिनको हम गुरु मानते हैं, उन्होंने हमेशा अखंड का बोध कराया। उन्होंने कहा जो अखंड है उसमें आपने मिलना है, तो उस अखंड के साथ आपका मिलन कब होगा, जब ये एक दूसरे के साथ मिले हों, परिवार समाज के साथ मिला हो, समाज राष्ट्र के साथ मिला हो, राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्र के साथ मिला हो विश्व के साथ, और विश्व जो है सारी प्रकृति जड़ चेतन इसके साथ मिला हो, और फिर वो जड़ चेतन प्रकृति जो है वो ब्रह्मांड के साथ मिली हो, तभी हम जा कर के और ये कह सकते हैं कि अखंड का बोध कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ गुरुओं ने क्या सिखाया भारत में कि अलग अलग चिंतन मत करो, इनका
सारे समाज के सारे विश्व के अंदर जो कलह हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि हम अलग अलग चिंतन करते हैं। और ख़ास तौर से जहाँ बहुत एडवांस लोग हैं वहाँ तो बिल्कुल ही विखंडित हो गए हैं, सब सारा टूट गया, समाज का कोई बोध नहीं किसी को, समाज कहाँ जा रहा है कुछ नहीं, हमें अपनी अपना सुख चाहिए और अपने सुख में भी हमने परिवार तोड़ दिए। और वहाँ एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका वर्णन दीनदयाल जी ने भी किया है, बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उनका नाम है सोरोकिन, P.A. सोरोकिन, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। P.A. सोरोकिन ने अपनी किताब में, क्राइसिस की किताब में, कि संकट जो आया हुआ है अमेरिका में वो कोई आर्थिक संकट नहीं है, वो संकट कल्चरल संकट है। अमेरिका ने लोगों को बड़े साधन दिए हैं ऐश और आराम के, बड़े मारक हथियार भी बनाए हैं अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका में परिवार जो टूट गए हैं तो उसके कारण से क्लेश ही क्लेश है, सारा दुख ही दुख है। और उन्होंने बड़ी अच्छी उपमा दी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो समाज टूटा है, परिवार टूटे हैं, तो एक और थिंकर हैं, उनका नाम है रिचर्ड ला पेरे। रिचर्ड ला पेरे ने कहा कि अमेरिका में जो समाज टूटे हैं, इंडिविजुअल को अपनी, हमने कह दिया इंडिविजुअल ही अलग है, एटम की तरह से उसका अस्तित्व है, तो पति का अस्तित्व अलग है, पत्नी का अलग है, उनका कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। तो कहते ये जो एटमिक थिंकिंग आई है परिवार के अंदर, इंडिविजुअलिटी आई है, इसके कारण से क्या हुआ है कि वहाँ एक बहुत बड़ी नई कल्चर विकसित हुई है, और वो कल्चर कहलाती है क्लब कल्चर। उस क्लब कल्चर में क्या होता है कि आदमी थका हारा जब अपने कार्यस्थल से आ रहा है तो उसके कदम जब घर की तरफ उठते हैं तो वो डरता हुआ घर की तरफ चलता है। तो रिचर्ड ला पेरे ने बड़े अच्छी शब्द इस्तेमाल किया है, लाइक ए फाइडियल इंडियन वूमन, वफादार भारतीय नारी, कि उसे ये होता है कि पता नहीं दरवाजे पर वफादार भारतीय नारी की तरह से चाय का प्याला लेके मेरी पत्नी मेरा स्वागत करेगी और मुझसे पूछेगी कि आज तुम्हें क्या कठिनाई है, तुम्हारे फेस पर टेंशन दिखाई दे रही है, तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। या मैं जब घर पहुंचूंगा तो नारी वारी तो दिखाई नहीं देगी, दरवाजे पे एक तलाक का कि तुम 6 दिन से खर्राटे लेकर के सोते हो और मेरी नींद ख़राब हो जाती है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ कर के जा रही हूँ। एक स्त्री ने, उसने लिखा है कि एक स्त्री ने 46 बार तलाक दी अपने जीवन में, और फिर भी उसने मरते समय ये कहा कि अमेरिका का जो लॉ है, कानून है, बड़ा कठोर है, मुझे तलाक के केस में निर्णय लेने में 1-1 हफ्ता लग गया और मैं 1-1 हफ्ता उस आदमी के साथ मुझे रहना पड़ा